नीचे 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 करो। चलो अब जंप रेडी। दोनों हाथ से स्माइल मोड में। हम लेंगे कैसे फिर आइडिया आपका है। रीत, सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत बधाई हम पत्रकारों की ओर से। कैसा महसूस कर रही हैं आज आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इतना दिन का पढ़ाई आज फाइनली रिजल्ट मिल गया। क्या परसेंटेज आपका आया है? मेरा 99% आया है। 99% आगे क्या एक्सपीरियंस क्या है? आगे मैंने भी सीए करने का सोचा है। सीए करने तो ये जो क्षण रहा आपके पढ़ाई का, आप कॉमर्स में 99% लाई हैं, तो सबसे अधिक किसका आप श्रेय अगर देना चाहें? सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को श्रेय देना चाहूँगी, अपने स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स, सभी को देना चाहूँगी। इवन मेरे जितने परिवार वाले हैं उन्हें भी देना चाहूँगी। सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। हर समय जब भी मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत थी, सब ने मुझे सब चीज़ दी। आज आप स्टेट टॉपर बन गई हैं कॉमर्स में, और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए स्टूडेंट्स को काफ़ी जद्दोजहद, काफ़ी मेहनत करना, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मैं यही बोलूँगी कि स्कूल को फॉलो करना चाहिए, जो भी चीज़ स्कूल में हो रहा है उस पर रेगुलरली ध्यान देना चाहिए। प्लस थोड़ा जिसमें कॉन्सेप्ट चाहिए, जैसे अकाउंट्स इकोनॉमिक्स हो गया, उसमें अगर शुरू से बेस बना हुआ रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा। 11th में भी क्योंकि कोविड का टाइम था, हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस लिया, बट स्कूल ने काफ़ी सपोर्ट किया, हमेशा से ऑनलाइन क्लास होते गया, तो बेस और कॉन्सेप्ट हमेशा से क्लियर है, तो कोई दिक्कत। हम कोविड किए थे कि वो सेंट्रल टॉपर के लायक है। 5 नंबर कम लाने के कारण 500 में 495 नंबर लाई है, और स्टेट टॉपर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और बराबर वो शुरू से ही अच्छे स्टूडेंट रही। कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस को बहुत अच्छी तरह से अटेंड किया, इसके लिए उनका बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ। कोरोना काल के समय में वो पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान भी दिया। उसके बाद स्कूल खोलने के बाद जो ऑफलाइन क्लास चला, उसमें वो सारा सवाल पूछ के अपना डाउट क्लियर करके अपना इस अचीवमेंट को आया है। अपना तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। उनके माता पिता को भी बहुत धन्यवाद, और सारा स्कूल के शिक्षक का मेहनत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।